हाय दोस्तों, मैं बिलाल चौधरी और आप देख रहे हैं टेक्निकल गिफ्ट। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एप्सन के L380 प्रिंटर के बारे में। ये है इंकजेट 3-in-1 प्रिंटर। ये हमारा स्कैनिंग भी करता है, कलर फ़ोटो और ब्लैक एंड वाइट जो फ़ोटो है ये सब उसका काम जो है इससे हम ले सकते हैं। आज पिछली वीडियो में आप यहाँ आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, मैंने इसकी अनबॉक्सिंग की थी और उसमें बताया था कि एक बहुत बेस्ट प्रिंटर है, लो बजट प्रिंटर है जिसमें आप 3-in-1 वर्क कर सकते हैं एक ही प्रिंटर से। अब मैंने ये दोबारा से क्यों उठा के रख दिया आपके सामने, इसका रीज़न ये है कि मुझे कमेंट मिली इस वाली वीडियो पर, इसकी जो वीडियो थी, कि सर इसकी जो पर पेज कॉस्ट है वो कितनी पड़ती है, एक बार अगर आप इसको रिफ़िल कर लेंगे तो उससे आप कितने सारे प्रिंट जो हैं वो कर सकते हैं। तो उसके बाद मैंने सोचा कि चलो इस पर भी एक वीडियो बना दी जाए और आपको बता दिया जाए कि इसकी पर पेज जो कॉस्ट है वो कितनी पड़ती है और एक बार ये रिफ़िल करने पर कितने ब्लैक एंड वाइट पेज जो है प्रिंट करता है और कितने कलर पेज जो है वो प्रिंट करता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियो आप सबसे पहले देख पाएं। अब अगर बात करूं प्रिंटर की तो प्रिंटर आपके सामने कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है। इसमें आपको 3-in-1 वर्क जो है देखने के लिए मिल जाते हैं। आप यहाँ पे स्कैनिंग और आपकी जो जीरोक्स है वो यहाँ से कर सकते हैं, साथ में आप ब्लैक एंड वाइट और कलर जो है प्रिंट यहाँ से निकाल सकते हैं। अब इसकी बात करूँ इंक की तो बॉटल में आपको पहले दिखा देता हूँ कि इसकी इंक की बॉटल जो है वो कैसी होती है। तो अगर मैं इसकी इंक बॉटल की बात करूं तो आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से इसकी इंक बॉटल होती है जो कि ब्लैक कलर की है। जब आप इसको नया परचेस करते हैं तो इसके साथ 6 जो बॉटल हैं वो आती हैं, 4 उसी टाइम पे इसके कंटेनर में डल जाती हैं और 2 जो हैं हमारे पास एक्स्ट्रा बची रहती हैं जो कि ब्लैक कलर की होती हैं। इसको एक बार जब हम इसमें उलट देते हैं, मतलब कि इसको फिल कर देते हैं इसके टैंक को, तो ये पेज कुछ इस तरह से निकालता है। देखिए ये जब एक्चुअली हुआ क्या कि मैंने इसको 3 महीने लगभग यूज़ कर लिया है, एक जिसके इसका जो बॉटल है वो पूरी खाली हो गई है। मैंने दोबारा से इसमें रिफिलिंग कर दी है और रिफिलिंग करने से पहले मैंने जो है इनका पर पेज या जो मतलब जितने भी प्रिंट इसने कर रखे हैं वो यहाँ से प्रिंट कर लिए हैं। तो अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं इस टाइम ये आपके सामने कुछ इस तरह से यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें अगर मैं बात करूँ तो कलर सीरियल नंबर इसका आपको देखने के लिए मिला। ब्लैक एंड वाइट पेजेस जो है वो 2135 पेज इसने प्रिंट किए हैं इसके थ्रू। मैंने मतलब कि इस बॉटल को अगर एक बार मैं इसमें उलट दूंगा तो 2135 पेज जो है यहाँ पे प्रिंट हो जाते हैं। अब अगर बात करें इसकी कॉस्ट की तो 2135 पेज कितने के होते हैं। एक्चुअली सेंचुरी का जो बंडल आता है वो टाइम टू टाइम अपग्रेड होता जा रहा है उसका बैलेंस। अगर मैं बात करूँ इस अब तक के यूजेस की तो मैंने एटलीस्ट 200 रुपये का उसको मैनेज कर लिया है, क्योंकि मैंने 170 से लेकर 210 तक की जो उसका बंडल है वो पूरा उसमें लिया है। तो 2135 पेज हो जाते हैं भैया आपके करीब करीब 4 बंडल को पकड़ लो, क्योंकि 500 पेज की जो है क्लेम करते हैं सेंचुरी वाले कि हमारे एक बंडल में 500 पेजेस जो हैं वो निकलते हैं। तो 500 × 4 ये हो जाते हैं हमारे 2000 पेज। तो अगर मैं बात करूँ 4 बंडल की तो कॉस्ट हो जाती है इसकी भैया 200 रुपये के हिसाब से 800 रुपये की। उसके बाद जो इंक की कॉस्ट है वो है 350 से 400 रुपये। तो मान ली मैं 350 रुपये इसको रख लेता हूँ, टोटल मिला के 1150 रुपये की जो है हमारी पेजेस और इंक पड़ती है और पेज प्रिंट होते हैं इससे 2135। तो भैया ये मिलके अगर हम इसको डिवाइड करें 1125 से जो भी हमारा भी स्कोर था उससे 1150 से अगर हम डिवाइड करें 2135 को तो हमारे पर पेज कॉस्ट जो निकलती है वो 53 पैसे यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। मतलब कि एक पेज आप अगर प्रिंट करते हैं ब्लैक एंड वाइट या जीरोक्स करते हैं तो उसकी कॉस्ट रहेगी 53 पैसे। तो इस तरह से आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाती है एक बोतल से भैया हमने निकाल दिए हैं 2135 प्रिंट जिसकी कॉस्ट हमें पड़ती है 53 पैसे पर पेज। तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है काफ़ी अच्छा बजट, यानी कि टोटल मिला के अगर मार्केट में इस पेपर का रेट कम होता, अगर 150 रुपये होता तो ये और भी सस्ता पड़ सकता था। अगर पेज की वजह से ही जो है कॉस्ट आपको 53 पैसे देखने के लिए मिली तो मुझे इस रेंज में इससे बढ़िया प्रिंटर नहीं देखने के मिला, क्योंकि इसकी जो क्वालिटी है वो भी बेस्ट है। अगर मैंने इसे अपने फ़ोटो भी बनाए हैं पासपोर्ट साइज़ के, वो भी बहुत बेस्ट हैं। मतलब अभी तक मुझे इस
को यूज़ करने में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आई है। हाँ, एक बार इसने पेपर मिस किया था, तो उसके लिए मैंने जो इनके कस्टमर केयर सर्विस वाले हैं उनको बुलाया था, तो उसने कुछ इसका जो रोलर वगैरह होता है उसको क्लीन करके दोबारा फिट कर दिया, तो तब से अभी तक ये बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस जो है यहाँ पर दे रहा है। मुझे इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं मिली है, मैं इस प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हूँ। तो अगर आप ये खरीदना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, और इसकी पुरानी वाली वीडियो जो मैंने अनबॉक्स किया था वो देखना चाहते हैं तो आई बटन जो यहाँ पर आपको दिख रहा है उस पर क्लिक करके भी आप ये वीडियो जो है देख सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कर जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्रिंटर कैसा लगा आपको ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो बस मिलेंगे नए अपडेट्स अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।